यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो एसटीईटी शिक्षक जगत से संबंधित और बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सीधे अपने चैनल के माध्यम से हम अवगत कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ उस डाउट के बारे में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया आपको तो दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित हो, रिजल्ट से संबंधित कोई भी अपडेट पहुंचती है हम सीधे अपने चैनल से माध्यम से आपको सीधे अवगत कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपका फ़र्ज बनता है कि वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एसटीईटी को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से क्या कुछ अपडेट है उसे आज प्रोवाइड करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या संभावना है रिजल्ट के जारी होने की, और जिस प्रकार से ठगी का बाज़ार गर्म होता जा रहा है, सभी को ज्ञात है कि फ़ोन कॉल्स के माध्यम से और कई सारे अन्य माध्यमों से ये बात कही जा रही है कि एसटीईटी का जो रिज़ल्ट है वो जारी होने वाला है। और आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये बता रहे हैं कि वो डाटा ऑपरेटर हैं और उसके माध्यम से छात्रों से पैसा ठगने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के ठगी में ना आएँ, और अगर आपके सामने कुछ भी इस प्रकार का फेस आता है या कुछ इस प्रकार की समस्या आपके सामने आती है तो प्लीज़ आप आगे इसके लिए कार्रवाई करें और दूसरों को भी सचेत कीजिए, ठीक है। आज हम बात करेंगे एसटीईटी रिजल्ट से संबंधित क्या कुछ अपडेट है, क्या बिहार बोर्ड ने रिजल्ट को प्रकाशित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है या आपको अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्या जो खबर पहले छापी गई थी कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार एसटीईटी पे स्टे लगा दिया गया है, वो क्या वो सही है, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों ने ये खबर देखी हुई थी, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एसटीईटी पुनर्परीक्षा रिजल्ट के प्रकाशन पर कोर्ट के द्वारा लगाई गई है रोक। यानी कि ये खबर अगर आप लोग जानते हैं तो आप सभी को ज्ञात होगा कि इस खबर में ये साफ तौर पे बात लिखा गया था कि 7 दिसंबर को जो है वो अगली सुनवाई की जाएगी। अब बात ये सामने उभर के आती है क्या रिजल्ट आपका जो है इसी कारण से प्रकाशित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस पे जो है वो स्टे लगाया गया था। और अगर पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस पे स्टे लगाया गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि साफ तौर पर लिखा है कि 7 दिसंबर को सुनवाई, यानी कि इस पे कहा गया है कि 7 दिसंबर को जो है वो सुनवाई की डेट जो है वो रखी गई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो क्या इसके बाद जो है वो रिजल्ट प्रकाशित होगा? और तो फिर एक खबर और बीच में आई थी, जैसा कि आप सभी को ज्ञान था, जिसमें ये लिखा गया था कि जो मैथ वालों ने जो केस किया है एसटीईटी को लेकर, उससे अन्य रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और अन्य विषयों का रिजल्ट जारी होगा। तो एसटीईटी को लेकर ये एक बड़ी अपडेट है, और कह सकते हैं कि भाई अगर अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि क्या जो रिजल्ट है आपका वो 7 दिसंबर के बाद ही जारी होगा। क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक इंतज़ार था कि भाई 14 तारीख तक जो है वो संभावना लगाई जा रही थी कि रिजल्ट प्रकाशित होगा, और कहा जा रहा था कि दिवाली के बाद रिजल्ट के आने के आसार हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी तक रिजल्ट का जारी ना होना ये भी अपने आप में एक संशय का विषय है कि क्या हाईकोर्ट के द्वारा पूरी ही रिजल्ट पर स्टे लगा दिया गया है। तो पटना हाईकोर्ट के द्वारा कह सकते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा था कि रिजल्ट के प्रकाशन में अभी जो है वो कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है। देखिए लिखा था यहाँ पे कि 7 दिसंबर को जो है वो कहा गया था कि भाई अंतिम जो फैसला है वो आएगा और इसकी जो सुनवाई है की जाएगी। हाईकोर्ट का बिहार बोर्ड को 3 सदस्यीय टीम बनाने का आदेश भी दिया गया था। सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने संबंधी याचिका पर हुई थी सुनवाई। तो देख सकते हैं कि कोर्ट ने जो एसटीईटी पे रोक लगाया था 7 दिसंबर तक जो है वो देखिए कोर्ट ने रोक लगाया था और ये सुनवाई जो हुई थी। तो क्या इसके कारण अभी तक रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। और देखिए लिखा, एक से अधिक बार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए जो ये साइट जो बनाई गई थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से, इस पे देखिए अभी तक बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है एसटीईटी रिजल्ट को लेके, ठीक है। वही हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायरल एक
देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एसटीडी कैंडिडेट्स के नाम और उनके रोल नंबर और उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स के यहाँ पे दे सकते हैं आप एसटीटी और इस तरीके से कुछ अपडेट्स जो है नाम के साथ कुछ रोल नंबर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई आप इन नंबरों के आधार पे रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, जो कि एक वायरल है, तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इस प्रकार की खबरों से बचें, ठीक है। और देखिए, एक छोटा सा एक नोटिस जो था काफ़ी ज़्यादा वायरल था, और इसमें कहा जा रहा है कि बिहार के शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा, और नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप जो है इसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात जो है वो कही जा रही है कि शिक्षक पात्रता, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो परिणाम है वो जल्द से जल्द जो है वो घोषित करने के आसार लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा, जिसे नीचे लिंक के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई परिणाम जो है वो जल्द से जल्द अब रिलीज करने की बात जो है वो कही जा रही है। अगली खबर की ओर हम रुख करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है डीएलएड व दिसंबर 2019 में पास बीएड अभ्यर्थी भी बन सकते हैं नियोजित शिक्षक, हाईकोर्ट ने दी इजाज़त, पाँचवीं कक्षा तक के लिए होगा नियोजन। इसमें देखिए, आप साफ तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि अच्छी खबर, नियोजन प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया, वर्ग 1 से 5 की मेधा सूची देखिए लिखा है ये वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश भी दिया गया है। तो डीएलएड व दिसंबर 2019 में पास बीएड अभ्यर्थी भी बन सकते हैं नियोजित शिक्षक, हाईकोर्ट ने दी इजाज़त, पाँचवीं कक्षा तक के लिए होगा नियोजन। तो एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, और कहा जा रहा है कि डीएलएड व दिसंबर 2019 में पास जो भी बीएड अभ्यर्थी होंगे वो भी अब शिक्षक बन पाएंगे, हाईकोर्ट ने दी है इजाज़त। अब देखिए क्या कुछ लिखा है, देख सकते हैं, दरभंगा से खबर आ रही है, छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की लगभग सारी बाधाएं अब दूर हो गई हैं। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के डीएलएड एवं दिसंबर 2019 में उत्तीर्ण बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी भी इस नियोजन की प्रक्रिया में अब शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और देखिए, 1 से 5 तक के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने डीओ डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह एवं स्थापना डीपीओ को निर्देश दिया है कि 28 नवंबर तक वर्ग 1 से 5 के अभ्यर्थियों की मेधा सूची डीएलएड एवं नए बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की शामिल जो योग्यताधारी अभ्यर्थियों की को शामिल करके एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाए। 5 दिसंबर तक है आपत्ति जमा की जाए और 9 दिसंबर तक आपत्ति का निराकरण करके अंतिम रूप से मेधा सूची अपलोड कर दी जाए। और लिखा है कि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद डीएलएड एवं बीएड कर चुके हजारों अभ्यर्थियों को नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होने का दे सकते हैं कि अवसर मिल जाएगा। नियोजन प्रक्रिया के लिए जारी किए गए पहले आदेश में डीएलएड एवं 2019 में बीएड कर चुके अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया था। इसके विरोध में वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में सरकार के आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की है। तो देख सकते हैं 25 नवंबर तक वेबसाइट पर सूची करें अपलोड, ये भी कहा गया है। और देखिए लिखा है कि नियोजन की प्रक्रिया में मेधा सूची के प्रकाशन पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी, अब 6 से 8 तक की अभ्यर्थियों की मेधा सूची एनआईसी की वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है, कहा गया कि 25 नवंबर तक वेबसाइट पर सूची जो है वो अपलोड हो जाएगी, ये भी कहा गया है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि बीएड वालों के लिए एक अच्छी खबर है, 2019 में पास बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो शिक्षक नियोजन में शामिल हो सकेंगे, उनके लिए एक अच्छी खबर है, पाँचवीं कक्षा तक के लिए होगा नियोजन। तो बड़ी अपडेट है, और पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।